अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते सत्यकार फ्रेंड जी, यू आर वॉचिंग बबली ब्लॉग। वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आ रही थी छत से ऊपर, नीचे ऊपर जा कह रही हूँ, ऊपर से आ रही थी नीचे, तो मेरे हाथ में था मोबाइल, तो मैंने कहा चले आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो मेरा कुछ सामान था जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लेने जाना है, बट वो मैं कल गई थी बट वो रेडी नहीं था, वो दुकान थी वो बंद थी। तो फिर वो कोको हेलो कोको हाय कोको जहाँ मैं वहाँ कोको, तो वो फिर मैं आज फिर जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि आज उन्होंने मेरा जो सामान था वो तैयार किया है कि नहीं तैयार किया। तो चलें फिर मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे आगे। तो फाइनली मैं छत से आ गई हूँ नीचे और मैं हूँ अभी इस वाले रूम में, और अब जाते हैं इसके साथ का निकालते हैं दुपट्टा। और मैंने आपको जैसे बताया था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो चुटकी भर वाला मोन और मोन के बाबा। हेलो कर दो जल्दी से मोन, इसका ट्यूशन जाने को दिल्ली चाह रही है इसलिए हेलो भी नहीं कर रहा। तो खैर मैं यहाँ से निकालती हूँ दुपट्टा, आपको पता है मैंने इसमें सारे दुपट्टे अपने रखे हैं, तो दुपट्टा निकाल के आपसे मिलती हूँ। इस वाले शॉपर में तो दुपट्टा मुझे नहीं मिला, मुझे लगता है दूसरे वाले शॉपर में होगा। ये देखिए सारे दुपट्टे मैंने ऊपर चेक करके देखें, चले दूसरे शॉपर में देखते हैं दुपट्टा। मोबाइल को रखती हूँ यहाँ पे और अब ढूंढती हूँ। ओहो मोबाइल खड़े हो जाओ भाई साहब। अब ढूंढते हैं हम दुपट्टा। ये भी मेरा बैग है और ये ऊपर से नीचे पता नहीं कैसे खुद ही आओ क्या होगा। वैसे ये ना इस वाले सूट के साथ बड़ा मैच हो रहा है और मैंने इसके साथ ही काफ़ी यूज़ भी किया है। ये देखिए इसके साथ का एक बड़ा भी है। और इस शॉपर में मैं देखती हूँ दुपट्टा, पता नहीं वैसे दुपट्टा ऊपर नीचे नज़र आता रहता, आज मैं ढूंढूँ ना आज नहीं आ रहा नज़र चीकू दुपट्टा। फाइनली मुझे मिल गया है इसके साथ का दुपट्टा। अच्छा ठीक है, पी रहा है कॉम्प्लान। मोन जल्दी करो बेटा, ट्यूशन जाना है फिर, और मैं हूँ बिल्कुल रेडी, इसको ट्यूशन छोड़ के फिर आगे जाएंगे। क्या बोल रहा मेरी ऑडियंस को, दरवाज़ा खुला हुआ है और हस्बैंड साहब गए किसी काम से और मैं मेरा बेटा कर रहे हैं वेट, कह रहे हैं अंदर कोई काम है। उनका चलो फिर लगाया तो क्लच टूट गया, जल्दी दरवाजा खोलो, अभी अंदर जाना है हमने। हाँ ये चलो यार, तीन चलो मोन आज लेट हो जाओगे आप किसी लेट या शायद छुट्टी छुट्टी का कोई सीन नहीं है, छुट्टी का पड़ गया अंदर बाइक स्टार्ट और क्लच गया टू। चाबी तो पापा बनवा के लिए, हस्बैंड कह रहे हैं मैं बनवा के लाता हूँ आप लोग अंदर जाता, तो हम लोगों को ऑफिस अंदर आना पड़ा। चले खैर अभी ये बन के आ जाएगा और फिर हम लोग इस पर घूम 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 आराम से जाएंगे, ठीक है ना। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैंने ये वाला नेल पॉलिश जो है ना ये मैंने लगाई और थोड़ी सी उतर भी गई है, ठीक है। तो मैंने ये वाली नेल पॉलिश आज के, और मज़े की बात बताऊँ ये वाला रंग मैंने खुद क्रिएट किया, बनता होगा मिलता होगा मार्केट में, पर मैंने दो शेड्स को मिला के एक शेड ये बना लिया। और इतफाक़ ऐसा कि ये वाला शेड जो है ना मेरी ऊपर बाल्टी पड़ी हुई है उसके साथ मैच हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी अगर मुझे याद रहा ना, मैच करके दोनों का दिखाऊंगी। बिल्कुल मैंने देखा और मैंने कहा है, लेकिन चले ये भी अच्छी बात है कि क्या बनाया क्या बन गया। आ जाओ अंदर बेटा, छुट्टी कोई नहीं, छुट्टी किस खुशी में, छुट्टी क्यों। ये बड़ा अजीब सी बात ये लगती है कि जब ये निकलना होता है ना और निकलने के बाद मतलब आप रेडी हो और आप उस चीज़ पे बैठे हो, मतलब चीज़ पे क्या बाइक पे बैठे हो या गाड़ी पे बैठे हो या वॉट एवर, तो कोई ना कोई मसला आ जाए, तो फिर बड़ा ही मसला लगता है, बड़ा उलझन उलझन सी होती है, मतलब वेट वेट पे तैयार होकर वेट नहीं होता, तो खैर और करना भी पड़ता है वेट, तो ये बात है। और जाते हैं, और वैसे थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बाकी ये है कि छोटा मोटा जो सामान है देखती कुछ लेती हूँ वहाँ से, कुछ समझ आता है नहीं आता समझ, और बाकी अभी मैं जाती हूँ वहाँ पे अपनी जो मैंने बेड शीट्स थी वो भी मैंने आपको कहा था मैं लाऊँगी तो मैं ला कर दिखाऊँगी, और बाकी आज ये फिर बाहर से अंदर आया अभी अभी अपने बाबा का वेट कर रहा है क्योंकि इसका स्टडी करने को बड़ा दिल चाहता है। नहीं 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 मैं बिल्कुल वेट नहीं कर रहा हूँ
लेकिन स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना फ्रेंड्स, वो तो करनी करनी होती है ना। तो अब देखना सो हेलो गाइस, तो गाइस आप अगर हमारी वीडियोस नहीं देखते तो देखें, क्योंकि गाइस जो आप कहेंगे और गाइस पीवाने भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है गाइस, अच्छा सर अपने वजन पे बैठो। तो मम्मी कल अभी मम्मी के घर भी मेरा काफ़ी दिनों से जाना नहीं हुआ। अम्मी क्यों अभी नहीं कोको को नहीं बुलाना मोन, वो बैल की आवाज़ सुन के फिर आती है। तो अम्मी ना वहाँ गई थी नर्सरी पर, वहाँ से ना वो और बहुत सारे ना प्लांट्स, मोन मना भी किया था, वो फिर दरवाजे को मारेगी। ऑन रहने दो, ऑन रहने दो, ऑन रहने दो। तो वो ना नर्सरी गई थी, तो नर्सरी से कहती मैं और बहुत सारे प्लांट्स लेके आई हूँ ना, तो जैसे आप लोगों को मैंने पपीते का तो दिखाया था, उनके घर में पपीता है। और उसके अलावा जो है ना, पहले जो है ना मम्मी लोग के घर में ना करेले भी थे, बहुत अच्छे करेले थे। अभी पपीता का है उनका घर में, तो ये है कि और अब वो कह रही है कि मैं और भी काफ़ी सारा सामान लेके आई हूँ। खैर उनसे मैं पूछूँगी, और अगर मेरा जाना हुआ वहाँ पे तो फिर मैं आपको जब बताऊँगी कि वो क्या क्या लेके आई हैं और कौन कौन सा सामान उन्होंने कैसे कैसे जस्ट किया है, मैं एक पूरा व्लॉग ना फिर वहाँ का बनाऊँगी। अगर उन्होंने के वहाँ पे ना वो मतलब सेहन है और सेहन गमलों में ही लगाएंगी, मतलब वो कह रही थी कि गमलों में भी उग जाते हैं, बट मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है। बट वो कह रही थी मैं लेके आऊँगी, और जिसने वो छोटा छोटा सामान मुझे बताया थी, मिर्चें और वो पालक शालक ना, तो मैं जाऊँगी तो फिर मैं देखूँगी और फिर वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगी। मैं दिखाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ अम्मी ने क्या क्या लगाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें मेरे साथ बने रहिए फिर। चलें जी चप्पल पहनते हैं, और चप्पल 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 आगे आगे बैग में भी ऐसे नहीं पहना, बाहर जाके मैं पढ़ा देती हूँ बाबा को, खबर कर छोड़ दे। तो आगे हैं हस्बैंड और हम लोग जा रहे हैं अब वापस से बाइक पे। जल्दी लग गया है ना, ये है हमारे सुहेल भाई, ये बात है कभी नहीं आना था और इन्हीं के घर जाता है मोन। चलो मोन जाके अंकल के पास खड़े हो जाओ, यहीं खड़े रहो बैग के पास। इन्हीं के घर जाता है मोन, तो वो कह रहे हैं कि आप जाओ और मैं उसको ले जाऊंगा वापस घर पे। अच्छा सही, आपका नाम क्या है? बाय मोन, बाय। हाँ थोड़ा सा उसका मुंह भी बन गया था मून का। अच्छी है ना, ये कितने की बेटा? 600 सारी कोई से भी। अच्छा बात सुनो, वो वाली नहीं आपके पास है बनाने के लिए, ये वाला नहीं, नहीं ये वाला नहीं, वो दूसरे टाइप का ब्लैक में होता है बड़ा, ये वाला है ना, ये ये कितने का? हाँ ये वाला, ऐसा ऐसे वाले सादे में नहीं है। नहीं भाई, इसका फैंसी स्टॉप करना ना यहाँ से, इसको ये सूट के। तो ये कितने का है? सारे 1500-1500 के। कॉटन में कौन से हैं? लॉन कॉटन निकलवा लो। अभी हम लोग आए हैं एटीएम, हाँ देखती हूँ पसंद आया तो एटीएम आया, और उस एटीएम में बहुत रश है वो देखें, और मौसम देखें और रोड देखें, ठंडी ठंडी हवा। हस्बैंड खड़े हैं गोलगप्पे लेने के लिए, इनके तब आए गोलगप्पे लेके और हम खाएं और फिर हम घर जाएं। शॉपर हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए सारा व्यू, एक और मॉल खुल रहा है यहाँ पे, और ये सारा कराची गोल्ड मार्केट ना न्यू, पता नहीं नया कब खुलेगा। मज़ा आया,
में मज़े वाली क्या बात है, ये बात भी सही है। इनका ये जहाँ का पानी ना गोल होगा मुझे बड़ा पसंद है, बहुत टेस्टी होता है। मैं जैसे गोल्ड मंगाती हूँ लाल में खाती हूँ। हेलो तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर पे आ गए हैं और ये सामान लेके आई हूँ मैं, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पैसे मांगे ना वो दे दी, कौन कहाँ जा रहे हो? मुझे ऊपर से मुझे पर्दे ले बोला आधे मुँह। ये पानी की बोतल ली थी वहाँ से पीने के लिए। क्या बेटा मैं आपको का मैं दिखा देती हूँ, ये प्लेट्स मैं लेके आई हूँ, ठीक है ये प्लेट और ये जो प्लेट मैं यहाँ पर रखती हूँ स्टैंड पर, ठीक है दिखा रही हूँ ये वाली प्लेट्स लेके आई थी, ठीक है और ऐसी में ही ये बड़ी प्लेट लेके आई हूँ। ये देखिए इसका बड़ा साइज़ है और ये इसका छोटा साइज़ है, सही हो गया। बाकी ये क्लिप्स वगैरह है, ठीक है ये मैंने लिए थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे क्लिप्स खाए थे वहाँ से, ये देखें कितना खूबसूरत है, ठीक है। तो बाकी ये वाला मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये वाले के देखिए बटरफ्लाई बनी हुई है। बाकी छोटे छोटे सा ये देखें ये सामान था, ये अच्छा लग रहा था मुझे क्लिप वगैरह तो फिर मैंने ये ले लिए। हस्बैंड ने अपने लिए शॉर्ट्स लिए हैं, ठीक है ये शॉर्ट्स वगैरह इन्होंने अपने लिए हैं, तीन चार लिए इन्होंने ऐसे ही ना सेम ब्लू में लिया है और एक ये ग्रीन कलर है और ये ब्लू है और एक ये वाला इन्होंने ये वाला लिया है, ठीक है। और क्या है एक मिनट, हाँ मुझे याद आया ये मैंने चप्पल ली है, ठीक है स्लीपर्स ना, स्लीपर्स तो नहीं है फैंसी है यहाँ पर मैं रख के दिखाती हूँ भी नहीं है, तो ये मैंने लिए हैं, ठीक हो गया सैन ऐसा। ये वाला कलर और भी थे बट अच्छा लग रहा था मुझे ना फिर मैंने ये ले लिया। ये देखें दोनों साथ पड़ी हुई ज़्यादा प्यारी लग रही हैं तो फिर मैंने ये भी परचेज़ कर ली। ये मेरे मोबाइल का स्टैंड है, अभी मैंने उतार दिया था और अभी चप्पल आपको दिखा रही हूँ, ये थी चप्पलें। और इसके अलावा ये बेडशीट है, ठीक है ये मैं आपको जाकर ऊपर दिखाती हूँ रिलैक्स होके ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा खोल के, ठीक है। तो इतना सारा सामान उठा के दोनों हाथों से जाना ऊपर, आए अल्लाह। तो खैर ये और मोन गए हैं बाहर, खाना वाना इन्होंने खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने ओहो मैंने आप लोगों के सामने खाए थे गोलगप्पे, मैं वही खा के आई हूँ, मुझे भूख ही नहीं है अपना। तो बाकी मैं आपसे दो मिनट में मिलती हूँ। ठीक हो गया और ये मुझे आपको मैं बेडशीट्स दिखाती हूँ, ये मैंने लिए बेडशीट्स, ये दूर इसलिए रखा था कि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आए। ये देखो ये बेडशीट है और ये इसके पिलो हैं, ये बन गए थे तो मैंने उठा लिया, ठीक हो गया। और ये दूसरी बेडशीट है सही, ये देखें ये इसको भी इसके पिलो में, ये वाला मैंने लिया है। और बस ये छोटा छोटा सा सामान था जो मैंने लेना था, कैचर्स की मुझे ज़रूरत हो रही थी, नीड थी और मैंने ले लिए। और बाकी मैंने आपको दिखा दिया एक ये वाली बेडशीट, मैं आपको बताइए और शॉपर नीचे गई थी ये वाली एक ये वाली बेडशीट ली है, ये देखिए ये देखिए ऐसी है। मैं फिर बचाऊँगी ना प्रॉपरली फिर आपको मैं दिखाऊंगी, ये ऐसे है ना प्रिंट प्रिंट से बने हुए इसके, तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है जी। ये छोटी मोटी सी शॉपिंग थी, ये इसके पिलोज हैं तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ, ठीक हो गया।
बेडशीट है ना, इस वाली बेडशीट का ना यहाँ पे बीच में ना ये काम हुआ था धागे का ना, तो भी बड़ा प्यारा मुझे लगा था। मैंने कहा यहाँ से आपको दिखा दूँ ऐसे ऐसे करके, ये वाली और ये वाली। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए ठीक है, बाल्टी और मग्गा बहुत ही ज़रूरी बाथरूम के लिए। लिख रहा था जिंगर ऑर्डर, अब हमें याद है हम उनका जिंगर, ये उनको देते हैं बिल। ये लीजिए, कितने बोले थे? 680। बोतल और जिंगर लेके चलते हैं ऊपर, और मेरे तो बस यही चक्कर रहते हैं नीचे ऊपर और ऊपर नीचे का घर है मेरा, तो मेरी तो ये वाली एक्सरसाइज बड़ी हो जाती है, मुझे तो जिम की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देना है इसको भी खाना, इसको भी खाना देते हैं, और बस इसी तरीके से शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। इसको रखते हैं और फिर चलो, मत बोलो इतना चपट चपट, खामोश भी रहते हैं। इस डोर को करते हैं बंद क्योंकि कोको नीचे चली जाती है और फिर काम बढ़ाती है बहुत ज़्यादा। और क्या था, भूल गई क्या, कोको को खाना देना था। तो फाइनली मैंने वो हाथ धो लिया है और नया वाला क्लिप लगा के ट्राई करी थी कि कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है, बस ठीक है, सही है, ठीक है। और बाकी आज के इस ब्लॉग को यहाँ पे ही करते हैं ख़त्म, ठीक है, दी एंड करते हैं। अभी तक वो तो आए नहीं हैं दोनों, पता नहीं कहाँ गए हैं, इधर ही कहीं गए थे। और ये आईब्रो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, इसकी अच्छी सी शेप अब मुझे बनवानी है क्योंकि मैं खुद बढ़ा रही हूँ इसको, इसकी अच्छी सी शेप आ जाए तो फिर मैं इसको बनवाऊँ। एनीवे इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ही एंड। अगर अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे करें या ऐसे करें बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप मेरी वीडियोज़ देख सकें। तो फिर ज़िंदगी रही तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हाफिज़।